टेंशन लेने की कोई बात, दुनिया बोलती रहती है आपको चिल मारनी, क्या मारनी है, मजे करो। अच्छा सर बहुत खूब, आज हमने पढ़ना है हेड ऑन कोलिजन। क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? हेड ऑन कोलिजन, बेसिकली कोलिजन पढ़ा आपने। क्या पढ़ा? क्या टक्कर होना जरूरी है कोलिजन के लिए? मोमेंटम चेंज, एक बॉडी के मोमेंटम अगर चेंज हो गया, पर हालांकि हम टक्कर टक्कर पढ़ेंगे, इसमें टेंशन कोई बात है। अच्छा सर, और हमने पढ़ा रेस्टिट्यूशन। क्या पढ़ा? कोफिशिएंट की वैल्यू अगर वन है, यानी ई की वैल्यू वन है, तो कौन सा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, कौन सा, यानी बॉल टक आएगी, अरे आएगी नहीं आएगी, यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तुम्हें आया ही नहीं, यानी काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस बिल्कुल कंजर्व, मोमेंटम भी कंजर्व। अगर ई की वैल्यू जीरो से बड़ी है पर वन से छोटी है, तो क्या पार्शियल, तो क्या जो रियल लाइफ में देखते हैं मैक्सिमम, अब वो आइडियल केस है, वो रियल लाइफ में, हाँ सर जीरो से बड़ा और वन से, सिंपल, क्या क्लियर? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व या थोड़ी कम हो जाती है? हाँ थोड़ी सी कहाँ हो जाती है कम, आप फील करो, मैं बॉल गिराऊं टक, क्या आवाज आती है, क्या थोड़ी हीट आती है, सब कुछ आता है, नहीं आता है, उसमें चले जाती है, वो भी सीखना बाद में, पर टेंशन लेने कोई बात है। अच्छा पर जब एटम्स की बात करें, एटम कोलिजन की, उसमें नहीं होता है सब, चलो बहुत बात की बात है। अच्छा ठीक है, बहुत खूब, बहुत मजा आया। क्या मोमेंटम का जब, हाँ मोमेंटम, तीसरा केस आ जाता है कौन सा, ई जीरो, किस वाला, ई जीरो, तो क्या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो, यानी आप दोनों साथ मिलकर चल रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई है, सेम, क्या हो गई है, सेम, क्या हो गई है। अच्छा सर बहुत खूब। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं ई की, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन से पहले हमको एक बात पता होनी चाहिए कि लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है, क्या बोलते हैं, या इसको ऐसे बोलो लाइन ऑफ मोशन क्या चीज होती है, और एक और चीज है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या चीज होती है समझाते हैं, जैसे मैं तेरे को सिखाता हूँ। ई की वैल्यू क्या थी, क्या वी टू माइनस वी वन डिवाइड बाई यू वन माइनस यू टू, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पर ये कौन सी वेलोसिटी थी, ये वेलोसिटी थी अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, अलॉन्ग लाइन ऑफ ना की मोशन, अलॉन्ग लाइन ऑफ ना की मोशन। आज सीखते हैं लाइन ऑफ मोशन और इंपैक्ट क्या होता है, बहुत आसान है, टेंशन कोई बात। मान लीजिए बॉल है टन, और ये भी एक बॉल है टन, इस बॉल को बोला ए और इस बॉल को बोला, ये चल रही है यू वन से और ये चल रही है, कोई शक की बात, अगर मान ली टक्कर नहीं होती, कहां जाना चाहते हैं, क्या ऐसे सीधा जाना चाहते हैं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ मोशन, क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ मोशन, ये लाइन ऑफ मोशन बी की है और ये किसकी है, पर मान ले किसी कारणवश यू वन बड़ा हो जाए यू टू से, यू वन क्या हो जाए, बड़ा हो जाए यू टू से, तो जाएगा टक टक टकराएगा, पर इस बार सीधा टकराए किसी एंगल पे, हाँ एट बॉल बोल खेली है, अरे खेलते हो स्नूकर वगैरह तो टक करते हैं, यहां जाती है नहीं, ये सब है, पर फील कर, जब ये पास आएंगे तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा, ये आ जाएगा ए और ये क्या आ जाएगा बी, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट वो है जहां पे इनका कॉमन नॉर्मल है बज रहा है, क्या बज रहा है, कॉमन नॉर्मल, मतलब लाइन ऑफ इफेक्ट वहां पे है जहां पे कॉमन नॉर्मल बज रहा है, सिंपल फील कर, कॉमन नॉर्मल क्या ये है, इसका यहाँ पे और इसका, तो अगर लाइन बनाओ तो क्या ये लाइन बने, तो इसी को बोलते हैं हम लाइन ऑफ इंपैक्ट, क्या बोलते हैं, तुझे आया ही नहीं, यानी ये तो है मोशन वाली पर ये कौन सी है, तुझे आया नहीं आया, यानी वेलोसिटी को किसके अलोंग लेते हैं हम, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, अलोंग किसके, याद रखना इस बात को, आज ही यूज होगा ये टर्म, आज ही यूज कराऊंगा मैं, पर क्या फील आया तेरे को, यानी जो वेलोसिटी पढ़ रहे थे ये लाइन ऑफ मोशन वाली वेलोसिटी, लाइन ऑफ इंपैक्ट वाली है, कौन सी वाली है, समझ आया पक्का। हेड ऑन कोलिजन स्टार्ट करें, हेड ऑन कोलिजन है सीधे मान ले ट्रेन ट्रेन के साथ, तो मतलब कि ये वाला मोशन होगा या बिल्कुल सीधा सीधा वाला होगा, सीधा सीधा वाला, आप ऐसा बोलो लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन ओवरलैप कर गए हैं, क्या कर गए हैं, तो सीधा सीधा वाला मोशन की क्या बोलते हैं हम, हेड ऑन कोलिजन, क्या बोलते हैं, और सीधा सीधा मोशन नहीं होगा तो पढ़ेंगे ऑब्लिक कोलिजन, क्या पढ़ेंगे, किसी एंगल पे, जैसे एट बॉल बुल खेलते हैं ना, मान ले एक बॉल यहाँ टक्कर हूं तो ये यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी, उसमें भी पढ़ेंगे, टू डी वाला अलग से पढ़ेंगे, वो अलग से पढ़ेंगे, पर क्या ये फील आया इधर को पक्का, यानी हेड ऑन कोलिजन में लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन क्या होती है, सेम, कैसी होती है, क्या थोड़ा थोड़ा समझ का, वेरी गुड, पढ़ना आसान है आज, कोई ऐसे टॉपिक नहीं है, पर आज के जो फॉर्मूले, मैं आपको बोलूंगा फॉर्मूला छोड़ो, आप एक फॉर्मूला याद रखना, और बेसिकली बात आप फोकस करो प्रोसेस पे, किस पे, कि हमने किया कैसे इसको, क्लियर, हेड ऑन कोलिजन, कैसा कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, बंडी कोलिजन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बंडी कोलिजन, कैसा, बंडी कोलिजन, कोई बात नहीं, छोट कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देख, मान ली यहां पे एक बॉल है, कैसी है, और दूसरी बॉल यहां पे, मान ली ये है एम वन और ये है M2, इसकी वेलोसिटी है U1 और इसकी वेलोसिटी है U2, बहुत मजा आया, वाह वाह,
मान ले किसी कारणवश U1 U2 से बड़ी है, तो क्या कोलाइड करेंगे? थोड़ी देर के बाद हमको ऐसे देखने को मिलेगी, क्या डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन हुई, फिर क्या अलग अलग हो गए, इसकी वेलोसिटी कम और इसकी वेलोसिटी, तो फील करके बाद में ऐसे हो गए, ये बन गया M1, ये बन गया, ये बन गया V1 और ये बन गया, क्या V2 इज ग्रेटर देन? तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया। अब सुन, इसमें केस लेते हैं तीन, कितने केस? क्योंकि हमारे पास केस है E की वैल्यू 1, E की वैल्यू 0 से 1 और E की वैल्यू 0, तीनों केस पढ़ेंगे, तीनों केस। पहला केस, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, कौन सा? यानी PEC, PE यानी E की वैल्यू कितनी? 1, कितनी वैल्यू? अब सुना ध्यान से, हमने बनानी इक्वेशंस, क्या बनानी है? इक्वेशंस क्यों बनानी है? हमको पूछते हैं V1 और V2 की वैल्यू बताओ, क्या बताओ? उसने बोला जब ये टक्कर खा गई, जब ये टक्कर, तो V1 और V2 की वैल्यू क्या? आपको मास गिवन होगा, U भी गिवन होगा, आपको मास भी गिवन होगा और U भी, वन भी, पर V2 और V1 गिवन है, वही निकालना है आपको, तो लगानी पड़ेगी ना इक्वेशन। सर ध्यान से देख, कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक, अगर इलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है क्या? हाँ, इसमें तो कंजर्व होती है, तो देख ध्यान से, इनिशियल क्या है इसकी, इसकी ध्यान से देख क्या लिखूंगा, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इनिशियल, और फाइनल क्या है बता? हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2, तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया। डेरिवेशन आती है तुम्हें ये पेपर में, देख लेना, पर डेरिवेशन पे फोकस मत करो, सीखने पे फोकस करो, क्लियर? अच्छा ये सीख ली, ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ओ तो कितने वेरिएबल? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, दो वेरिएबल है ना, अच्छा कोई बात नहीं। यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन देख, दूसरी क्वेश्चन का मोमेंटम भी कंजर्व है, तो मोमेंटम कंजर्व करा दो, ध्यान से देख, क्या M1 U1 प्लस M2 U2 इनिशियल मोमेंटम क्या इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम? M1 V1 प्लस M2 कौन सी? सेकंड इक्वेशन, कौन सी क्वेश्चन? जाया नहीं आया। अच्छा कोई थर्ड इक्वेशन बना सकते हैं, थर्ड इक्वेशन बना सकते हैं, क्या E is equal to V2 minus V1 divided by U1 minus U2? पर E की वैल्यू कितनी है? One. कितनी है? One. तो क्या बोल सकते हैं? U1 minus U2 is equal to V2 minus V1. तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया। yes, अरे निकले, पता चला? yes, अरे हाँ ना तो बोल। अगर तू ध्यान से देख, आसान करने के लिए किया यार, नहीं तो इसमें से निकाल के इसमें डाल दे, सुन ध्यान से, कि U1 minus U2 is equal to V2 minus V1? तो तेरे को V1 चाहिए या V2 चाहिए, तो एक काम कर, एक की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दे। अरे कर सकते हैं ना यार, तो ध्यान से देख, मैं V2 निकाल देता हूँ, क्या निकाल देता हूँ? तो ध्यान से सुनना, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, अगर मैं V2 की वैल्यू निकालू, तो V2 की वैल्यू हो जाएगी U1 माइनस U2 प्लस V1। अरे आई नहीं आई, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर, इसको पुट कर दे इसमें, इसको पुट कर दे, तो ध्यान से देख, कोई घबराएगा नहीं बिल्कुल भी, कोई घबराएगा? घबराएगा, यहाँ पे देख, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, पर V2 की वैल्यू ये, तो M2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर, इससे भी करो, और तो ध्यान से देख, बोलते जा क्या आएगा, माइनस भी लगाना, माइनस M2 और फिर तुझे आया ही नहीं, अरे तुझे आया नहीं आया, घबराने की बात नहीं है, U1 को एक साइड रख, U2 को एक साइड रख, इस साइड से V1 रख, क्या रख? अरे हमको तो V1 की वैल्यू चाहिए ना, या V2 की, तो यहाँ पे V1 की आ रही है ना, तो एक काम कर, बाकी सबको एक साइड ले जा, V1 को एक साइड रख, तो ध्यान से देख, इसको ध्यान से देख क्या आ जाएगा, M1 U1, और कोई U1 दिख रहा है? U1 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 U1, ये U1, पर माइनस लगाना पड़ेगा, तो क्या माइनस M2 U1, क्या ये M2 U2, और ये माइनस M2 U2, यहाँ जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा? तो वेरी गुड, ये आ जाएगा प्लस 2 M2 U2, तुझे आया ही नहीं। अगर तू ध्यान से देख, राइट हैंड साइड ये बचा, और क्या ये बचा, क्या V1 दोनों में कॉमन आ रहा है, पीछे का M1 प्लस M2, तो लिखेंगे M1 प्लस M2 इनटू, तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, इनटू V1। अब इसको क्या इसके नीचे लेना है, इसको इसके, पर क्या देख, U1 कॉमन निकलता है, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा M1 माइनस M2, और साथ में क्या आएगा, U1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2, यहां का भी आएगा ना, प्लस साथ में क्या लिखेंगे, 2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये इधर भी जाएगा, और साथ में क्या, U2 इज इक्वल टू V1, तुझे आया, यही वैल्यू तुम्हें याद रखनी, अरे तुझे आया नहीं यार, आया ना, अब V1 निकल गया तो क्या V2 भी निकल जाएगा,
उसमें कोई रॉकेट साइंस है, यहाँ से निकाल दे इसकी वैल्यू, वहां पुट करके कैसे भी निकाल दे। तो ध्यान सुन, अगर वी टू, जो वी टू आएगा वो वी टू क्या लिखना है, ध्यान सुन ध्यान सुन, यहाँ है एम वन माइनस एम टू, क्या है वो आएगा एम टू माइनस एम वन, क्या आएगा, और साथ में जहां यू वन आएगा वहां आएगा यू टू, क्या आएगा, बाकी सेम एम वन प्लस एम टू, प्लस यहाँ एम टू है वहां आएगा एम वन, तो क्या टू एम वन, और यू वन की जगह यू टू की जगह यू वन, एम वन प्लस एम टू, तुझे आया ही नहीं, अरे तुझे आया नहीं आया तेरे सामने, या ये याद रख या ये याद रख, हालांकि इसको आसान आसान तरीका भी याद रखना, पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये याद रखो, मतलब प्रोसेस याद रखो, फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला याद रख। ध्यान से देख, यू वन गिवन हो, यू टू गिवन हो, एम वन गिवन हो, एम टू गिवन हो, क्या निकाल सकता है तू? तुम्हें समझ भी आया मैंने क्या किया, आया नहीं आया? सर मैंने इन दो इक्वेशंस का यूज किया, मैंने इसका यूज किया, अरे टफ हो जाता ना यार, इधर से वैल्यू निकाल दी, तो क्या क्या क्लियर है बात, पक्का सवाल कर पाएगा या नहीं पता चला? वैल्यू याद रहेगा, एम वन माइनस एम टू, यू वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू, प्लस टू एम टू, यू टू डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू। ध्यान से देख, एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू, सेम सेम, क्योंकि एम टू प्लस एम वन लिखे, एम वन प्लस एम टू, कोई लॉजिक एक ही बात, पर फील कर एम वन माइनस एम टू, जहां एम टू है वहां एम वन, जहां यू वन है वहां यू टू, ये बात याद रखना, ये बात याद रखेगा पक्का गारंटी। पर ये बात जरूर याद रखना, जहां वी वन के साथ यहां पर एम टू और यू टू आता है, और वी टू के साथ एम वन और यू वन आता है, उल्टा है, वी वन के साथ एम वन यू वन है, इसको रटना है घर जाके, जैसे भी अगर तो ये याद रहता तो बेस्ट है, बट यार हर बार थोड़ी निकालेगा पेपर में, पेपर में वही याद रखना है, पर ये पूरी डेरिवेशन आती है वी वन वी टू। क्या सवाल समझ आया तेरे को? ये नहीं पता चला? अब हम इसको भी आगे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द मास, ऑन द बेसिस ऑफ द, देख ऐसा हो सकता है ना, कई बार एम वन एम टू से बड़ा हो, कई बार M2 M1 से बड़ा हो, और कई बार दोनों हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो उसके बेस पे हम इसको डिफाइन करेंगे अलग से। पर क्या ये समझ आया तेरे को पक्का? अब ये दो फॉर्मूले ध्यान से देख, यहीं से कराऊंगा एग्जैक्टली। केस फर्स्ट, अच्छा पहला हमने E इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, और उसमें फर्स्ट केस उसमें M1 इज ग्रेटर देन M2, तो हमको बताना है V1 की वैल्यू क्या है और V2 की वैल्यू क्या है, सिंपल क्लियर। इसी क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आ जाए V1, मैं डायरेक्ट कराऊंगा, लिखाऊंगा बार बार सॉल्व नहीं कराऊंगा, सुन M1 बड़ा है M2 से, पर कैसा, बहुत बड़ा, कैसा, यानी मान ले कल हमने मैसिव बॉल वाला क्वेश्चन किया था, तो मास क्या मैसिव बॉल का बहुत बड़ा था बॉल से रिलेटेड, बस वैसे ही मान ले M1 वॉल है और वो तरह का है बॉल, एक वॉल एक दीवार है और एक बॉल है, सुन ध्यान बेटा फील कर, M1 बहुत बड़ा, तो बहुत बड़े में से बहुत छोटा करेंगे तो M1 ही तो आएगा, और M2 में से तब भी M1 आएगा, तो M1 और M1 कट गया, पीछे का बचा U1, वेरी गुड, पीछे का बचा U1. यहां बचा U1, क्या बचा U1. प्लस, अब फील कर यार, M1 प्लस M2, क्या M1 बहुत बड़ा है? अगर बहुत बड़ा और न्यूमिनेटर बहुत छोटा, तो ये वैल्यू क्या बहुत छोटी, बहुत छोटी तो जीरो, इसको लिखने की जरूरत है, यानी V1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, U1 के बराबर, कल भी आती थी याद है, जो U1 होता था क्या वही, देख मैसिव वॉल की वेलोसिटी चेंज होती थी क्या, तो देख ले वही आंसर आया ना यार, U1 V1, अब बार बार समझो, अब घर जाकर समझना। V2 की वैल्यू देख, यहाँ पे जंप कर, बड़ा कौन सा, M1 या M2, तो M2 से माइनस करे कोई दिक्कत, तो यहाँ पे बच गया माइनस M1, क्या बच गया, और यहाँ भी कुछ करे तो नहीं कुछ, तो M1 और M1 कटा, पीछे का बचा माइनस U2, क्या बचा, तो यहाँ पे बचा माइनस U2 प्लस, देखते हैं और कुछ आता है, ध्यान से देख M1 प्लस M2 बड़ा कौन है इस बार, पर ये भी बड़ा, तो क्या ये भी बड़ा, तो M2 की कोई औकात, तो M1 से M1, तो पीछे बचा 2U1, क्या बचा, तो ये आई 2U1 और ये आगे V1 V2 में, तुझे आया ही नहीं, समझ आया नहीं आया, यहाँ पूरा करके दिखाऊं, चल दूसरा केस, अब M2 बहुत बहुत बड़ा हो गया किससे, M1 से, तो V1 निकाल और क्या निकाल, देख अब बड़ा कौन सा है, अगर ये बड़ा है तो माइनस में रहा, इसका इसका कोई लेना देना नहीं है, ये और ये कटा, पीछे क्या बचा, वेरी गुड, क्या बचा, माइनस यू, तुझे आया ही नहीं, प्लस यहाँ पे आ जा, बड़ा कौन सा है, M2, तो इसका और ये कट गया, इसको कोई लेना देना, पीछे का बचा 2U2, तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, यहाँ पे देख वी, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, ये V2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, ध्यान से देख, बड़ा कौन है, M2, तो M2 में से M1 कटा, M2 ही आया, और M1 प्लस M2, तो ये भी कटा, तो क्या बचा, M2, हाँ तो U2 बचा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, M2 बचा ना नीचे, तो M2 से M2, पीछे का बचा U2, क्या बचा, ध्यान से देख, यहाँ पे जीरो आ जाएगा,
क्योंकि ऊपर एम वन बहुत छोटा, नीचे एम टू बहुत बड़ा, तो वैल्यू जीरो अप्रोक्स जीरो, तो पीछे क्या बचा यू टू, क्या बचा? सिंपल, तुझे आया ही नहीं। अरे आया नहीं आया पक्का? अरे देख ले अपोजिट है यार। क्लियर? थर्ड पार्ट में अब ये एक बात बता, रटने की जरूरत है समझने की जरूरत है? रटने की क्या जरूरत है इसमें? इसमें रटने की जरूरत? ये कभी मत रट रहा वी वन वी टू, सर वी वन की वैल्यू वो क्यों रटना यार, तेरे को लॉजिक पता है ना यार, फिर क्या रटना है इसमें? अब एम टू एम वन एम टू बराबर हो गए, तो वैल्यू ये जीरो और ये भी जीरो, ये भी जीरो हो गए, ये भी फिर कर यहाँ पे ये और ये बराबर, तो ध्यान से सुन, मान ले इसको एम टू मान ले, क्या मान ले? तो टू एम टू कटा, पीछे का बचा यू टू, अभी वी वन की वैल्यू क्या बची? सिमिलरली वी टू की वैल्यू क्या बची? यू वन। तुझे आई? कितनी जबरदस्त चीज है, यही सिखानी है तेरे को मैंने। इसका क्या मतलब है सुन, दो बॉल्स हैं, कैसी हैं? और टक्कर हुआ, कुछ भी हुआ इनके बीच में, और दो बॉल्स यहाँ रही, ये M1 और ये, और ये M1 और ये U1, ये U2, और ये V1 और ये V2, है ना यार? U1 U2, बट फील कर जब टक्कर बची तो V1 कितनी हो गई? अबे U2 कितनी हो गई और V2 कितनी हो गई? क्या पहले इसका U1 था, अब इसका U1 हो गया, अब इसका U2 था, अब इस, कितनी खतरनाक चीज है कि फील कर अगर दोनों मास सेम है, दोनों मास मान ले, और ये M1 M2 M1 M2 बराबर है सारे, सारे MMM है, अबे यार तू पुराना मत, सारे MMM है ना, अगर दोनों के मास सेम है, अगर दोनों के मास, तो मान ले अगर ये रेस्ट पे पड़ा, अगर ये और ये यहां से आया 10 मीटर पर सेकंड से, तो टकरा के ये रुक जाएगा और ये 10 मीटर पर सेकंड से चलेगा, तुझे आया नहीं आया? कितनी जबरदस्त चीज है, और ऐसे सवाल बथेरे दिखेंगे आपको, तुझे आया नहीं आया? पर दोनों के मास कैसे रखना? सेम रखना, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। क्या क्लियर है बात? समझा नहीं समझा? अब इसको क्वेश्चन कराऊं क्या? सीख गया ना तू? क्या करवाऊं इसमें? नहीं कराऊंगा। क्या क्लियर है बात? क्या समझा तू? ये नहीं समझा पक्का? पर ये कहानी किसके लिए थी? सिर्फ E इज इक्वल टू वन के लिए, E इज इक्वल टू, पर क्या बाकी दो के लिए भी करनी पड़ेगी? हाँ, छोटी होगी इससे, पर करनी तो पड़ेगी। क्या क्लियर है? अच्छा, हमने सीखा यार, जैसे ही हम E की वैल्यू जीरो से वन लेते हैं, तो जो वेलोसिटी जाने वाली होती है, क्या वो E इंटू यू हो जाती है? E गुना हो जाती है? नहीं हो जाती है। अगर सिर्फ ये रेस्ट पे, तो ध्यान से देख, चल ऐसे नहीं कराऊंगा, चल पूरा ही कर दे, सुन। मान ले टक्कर वगैरह हुई, E की वैल्यू कितनी? E की वैल्यू V2 माइनस, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केस, सेकंड केस, पार्शियली वाला, कौन सा केस है? पार्शियली इन इलास्टिक या फिर इलास्टिक को लीजिए, यानी E की वैल्यू किसके किसके बीच में? क्या क्लियर? ध्यान से देख, क्या मोमेंटम कंजर्व है? हाँ, वो तो तीनों बारी कंजर्व है, तो क्या लिखेंगे? M1 U1 प्लस M2, मान लो दो बॉल्स जा रही है, M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है? सोच के बोल, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। अरे कंजर्व का मतलब तो जितनी इनिशियल उतनी फाइनल है, क्या क्या दोबारा वहां तक पहुंच रही है क्या? तो लॉस हो गई ना यार, इसका मतलब वो कंजर्व। क्या दो वेरिएबल दिख रहे हैं? अब पिछली बार भी दो थे, इस बार भी दूसरी क्वेश्चन चाहिए, कहां से आएगी? क्या E U1 minus U2 is equal to क्या V2 minus V1? आई बोल सकते हैं, तो ध्यान से देख V2 की वैल्यू क्या यहां पे प्लस V1 लिख सकते हैं? इस वैल्यू को कहां पुट कर देंगे हम इसमें? तो ध्यान से देख, M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus, ध्यान से देख, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सुन सुन सुन, बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आया वाह वाह। M2 into V1, पहले तो आगे डायरेक्ट लिख दूं M2 V1, क्लियर? प्लस बेटा M2 EU1, M2 EU1 माइनस क्या M2 EU2? तुझे आया ही नहीं? अरे आया नहीं आया? तुझे V1 निकालना, V2 V1, अभी V2 की वैल्यू पुट किया तो V1 में आएगा, तो यानी इसको और इसको यहां रख, बाकी सबको यहां शिफ्ट कर, तो ध्यान से देख ये U1 तो क्या ये भी U1, तो लिखेंगे M1 प्लस सॉरी माइनस माइनस M2 EU1, कोई बात नहीं, प्लस M2 U2 और ये माइनस में M2 U2, अरे लिखा है ना यार, तो क्या लिखूंगा? प्लस M2 U2 साथ में क्या वन प्लस ई, अब डायरेक्ट लिख सकते, थोड़ा सा सीखो, यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा V1 साथ में बचा M1 प्लस M2, तुझे आया ही नहीं? अरे आया नहीं आया? तो ध्यान से देख, मैं V1 को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, V1 इज इक्वल टू, ये डिवाइड इसके भी जाएगा और क्या इसके भी जाएगा, तो देख कैसे लिखेंगे,
यहां से कॉमन निकल रहा है, ध्यान से देख, यू वन, यू वन क्या निकल रहा है, तो मैं लिखाऊंगा यू वन कॉमन, यहाँ क्या बचा, एम वन माइनस एम टू, और साथ में ये क्या बचा, एम वन प्लस एम टू, पर साथ में एम टू के साथ क्या ई भी आएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, एम टू वन प्लस ई डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू, और साथ में क्या आ जाएगा यू टू, और ये वैल्यू आ गई वी वन, किसकी वैल्यू आ गई, तुझे आया ही नहीं, क्या रटने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, फिर अगर जैसे वी वन की वैल्यू है क्या वी टू की लिख सकता है तू, ध्यान से देख, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, टेंशन कोई बात नहीं है, जहां पे M1 है वहां पे क्या करेंगे, करेंगे नहीं, और जहां पे U1 वहां पे बाकी को छेड़ना, तो ध्यान से देख यहाँ क्या लिखेंगे U2, और यहाँ पे क्या लिखा M2 minus M1e divided by M1 plus M2 plus यहाँ पे क्या आ जाएगा M1 1 plus e divided by M1 plus M2, और साथ में क्या आ जाएगा जो भी है, और तुझे आया, अच्छा ये 1 plus e आएगा, ये प्लस में है और ये भी जाएगा प्लस में, ठीक है, अरे क्या क्लियर है बात, yes, समझ आया नहीं, yes, देख लेना गणित में कोई मिस्टेक नहीं लग रही मुझे, ऐसी है, क्या क्लियर है, क्या इसकी वेलोसिटी भी निकाल पाएगा, yes, तो रॉकेट साइंस नहीं है, क्या समझ गया, yes, क्या वी वन निकल गई, वी टू भी निकल गई, yes, क्या पहले केस में भी निकाल दी, yes, क्या दूसरे केस में भी निकाल दी, yes, तो क्या तीसरे में भी निकाल पाएंगे, yes, देख इधर तीसरे में ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू कितनी, पर मोमेंटम तो अभी भी कंजर्व है, तो मोमेंटम वाली इक्वेशन नहीं मिटा रहा मैं, ठीक है, क्योंकि वो तो अभी भी, ध्यान ध्यान से देख, थर्ड केस, थर्ड केस में ई की वैल्यू यानी परफेक्टली वेरी गुड इन इलास्टिक, तो ध्यान से देख, अब क्या ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, yes, तो सीधे मैं लिख दूं वी वन इज इक्वल टू वी टू, अब ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसमें एक ही बड़ी है, एक बार बताऊं ये जो लिखा है मोमेंटम, ये ठीक लिखा है मैंने, यही गलत लिखा है इस बार, ये जानबूझ के नहीं मिटाया मैंने, ये गलत है, अबे ई जीरो का मतलब क्या है, बाद में क्या सेम वेलोसिटी चलेंगे, तो वी वन और वी टू कैसे लिख दिया यहाँ पे, हाँ वी लिखना था, क्या लिखना था, देख अबे कल भी किया था, टेंशन की बात नहीं, मान लीजिए ये था एम वन, क्या था, किससे चल रहा है, ये क्या है, किससे चल रहा, क्या मिल गए, क्या दोबारा अलग हुए, दोबारा अलग हुए, क्या वी से चले, तो ध्यान से देख मोमेंटम जब कन्वर्ज कंजर्व करेगा तो m1 u1 is equal to m2 is equal to क्या m1 plus m2 into अबे इसमें v1 v2 थोड़ी निकालना है, इसमें तो v निकालना है, इसमें v1 v2 नामक कोई चीज है, क्योंकि तेरे को पता है इसकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होती है, जीरो, कितनी होती है जीरो, क्योंकि दोनों साथ में ही चल रहे हैं, तो ध्यान से देख जो v की वैल्यू आई वो बहुत खूबसूरत आई, m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus, ध्यान से देख क्या ये फार्मूला कभी पढ़ा है हमने, v is equal to m1 v1 plus m2 v2, ये सेंटर ऑफ मास का फार्मूला, हां वेरी गुड, अबे साथ में हो गए, सेंटर ऑफ मास से चलेंगे ना यार, ज्ञान नहीं आया, इसमें v1 भी वही, v2 भी और वही v के बराबर, क्या कर पाएगा, कर पाएगा, एक बात बता, इसमें कुछ इसमें क्या था, इसमें गणित अच्छे रखो और समझ आना चाहिए कि इसमें मोमेंटम तो सब में कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इसमें बिल्कुल कंजर्व नहीं, इसमें तो सबसे ज्यादा लॉस है, क्या समझ आया, नहीं आया सामने, क्या क्लियर है बात, पक्का, एक क्वेश्चन कराऊं, करेगा तू पक्का, उससे तेरे को एक, उसे बोल दी एक बॉल है, क्या एक बॉल है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे आसान होंगे क्वेश्चन, अगर तुमने लॉजिक सीख लिया तो ये क्वेश्चन तुम्हें रोकेंगे नहीं, ठीक है, रटना नहीं पर इनको, रटेगा तो फिर दिक्कत है, मान ले ये दो के जी, कितना के जी, ये एक के जी, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है कितने, और ये 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है कितने, क्या कोलाइड करेंगे, हाँ बिल्कुल कोलाइड करेंगे, इसमें कोई दिक्कत, ओ अरे करेंगे, उसने बोला ई की वैल्यू जीरो, ई की वैल्यू जीरो, तो क्या बाद में साथ में जाएंगे, उसकी वेलोसिटी बता दो, क्या सवाल चमका, समझ आया, क्या मोमेंटम कंजर्व, तो इनिशियल मोमेंटम क्या, ध्यान से ये दो 10 से जा रहा है और ये क्या एक 30 से जा रहा है, तो सबसे पहले एक को प्लस रखेंगे और दूसरे को, तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे, दो इंटू 10 के 20 माइनस क्या एक इंटू 30 के 30 इज इक्वल टू पी फाइनल, पी फाइनल में क्या दोनों साथ में जा रहे हैं, तो दो प्लस एक क्या तीन और वेलोसिटी क्या वी, तुझे आया नहीं, तो ध्यान से देख माइनस 10 बाय 3 इज इक्वल टू वी, तुझे आया नहीं आया, इसको एक्सटेंड कर दूं एक ऊपर, चल ठीक है, वेलोसिटी निकाल दी, क्या निकाल दी, यानी फील कर ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएंगे और क्या इस साइड, इसी साइड चलेंगे, ये तो समझ गया ना, ये देख ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे 3 किलो, क्या हो जाएगा,
किस इस साइड चलेगा कितने से, 10/3 से हो गया। नहीं उसने बोला फाइंड फाइंड इसी क्वेश्चन में एक्सटेंशन, फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कि एनर्जी में कितना लॉस हुआ। अबे लॉस होगा ना यार, लॉस देख कितना। तो हम क्या करेंगे देख, फील कर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालेंगे और क्या निकालेंगे फाइनल, तो देख लेंगे कितना लॉस है। अगर हमको चेंज पूछते क्या पूछते, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, पर अगर लॉस पूछा तो के इनिशियल माइनस, तो इनिशियल बड़ा होगा ना यार। तो ध्यान से देख, के इनिशियल निकाल, स्टार्टिंग में दोनों चल रहे हैं, दोनों का वेलोसिटी है और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती तो हम साइन को टेंशन लेंगे, हाफ एम क्या वी स्क्वायर प्लस हाफ एम क्या वी स्क्वायर। अरे तुझे आया ही नहीं, तो ध्यान से देख ये आया 100 + 450 क्या 550, ठीक किया ना मैंने 100 / 450 साढ़े ठीक किया ना यार, ये आ गया 550 जूल। कितना आ गया के फाइनल निकाल, कितने निकाल के फाइनल क्या ये है, तो हाफ 3 क्या 10/3 का स्क्वायर यानी 100/9। तो ध्यान से देख ये 3 से कटा क्या ये 50 से कटा, ठीक कर रहा हूँ ना यार। तो के फाइनल की वाली कितनी आ गई 50/, तो के लॉस कितना आ गया, हाँ तो 550/50/3 दिस इज द आंसर। अरे तुझे आया ही नहीं यार, अरे आया नहीं आया 50/3 कितना होता है बेसिकली, अगर तुम मान रहे थे कि ये 16 पॉइंट कुछ कुछ, अबे 17 / 3 = 51 होता है ना यार, तो एक ही कट है ना, तो 16 पॉइंट कुछ कुछ मान के तू ध्यान से देख तो कितना आंसर अप्रोक्सीमेटली 533.534 लगा ले 16। अरे क्या क्लियर है बात, समझ आया नहीं आया, यानी इतना तो लॉस ही हो गया भाई, इतना तो मैक्सिमम लॉस होता नहीं होता, देख मैक्सिमम तो लॉस ही हो गया, समझ आया सवाल थोड़ा चमका या प्राण निकल गए, प्राण तो नहीं निकले कि सर हाँ सर आज तो आपने खत्म ही कर दिया। ठीक अभी काम करते हैं, थोड़ा सा ऑब्लिक कोलिजन पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या पढ़ते हैं, 2D वाला नहीं सिंपल वाला, ऑब्लिक कोलिजन थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो कल उसके थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको घर के लिए, ठीक है वो कर देना, और कल फिर हम उस पर प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके 2D वाला करेंगे, और फिर बस एक गन वगैरह क्वेश्चन रह गए हैं, मतलब कल शायद कल या परसों दो ही लेक्चर बचे हैं इसके। ठीक है देखिए अब नेक्स्ट ऑब्लिक कोलिजन, कैसा कोलिजन, ऑब्लिक मतलब किसी एंगल पे, क्या हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, किए हैं ऐसे क्वेश्चन, हाँ किए थे ऐसे क्वेश्चन, टेंशन कोई बात है। ध्यान से देख ये मेरे पास सरफेस, क्या मेरे पास सरफेस है जिसका कोफिशिएंट है ई, कितना कोफिशिएंट, ध्यान से देख मान ले यहाँ पे कोई बॉल है, यहाँ पे कोई कोई क्या है, ये यू वेलोसिटी से है, कितने से क्या यहाँ से आएगी, और उसने बोला ये थीटा एंगल पे आई, कितने एंगल पे, कितने पे आई, और यहाँ पे गई बॉल वी वेलोसिटी से, कितने से, उसने पहला केस दे दिया, क्या दे दिया, पहला केस दे दिया ई इज इक्वल टू वन, क्या दे दिया, क्या दे दिया, ई इज इक्वल टू वन। उसने पूछा मान लो ये थीटा और ये फाई है, क्या है ये, उसने बोला ई इज इक्वल टू वन में फाइंड फाई, क्या बताओ, फाइंड फाई और वेलोसिटी भी, और क्या, कि समझ आया तेरे को सवाल, समझ आया। अच्छा पहला केस अगर तू ध्यान से देख ये आया और ये यहाँ चलेगा, पर फील कर अगर तू उसकी लाइन ऑफ मोशन देखे तो क्या लाइन ऑफ मोशन ये है, पर हम खेलते किस पे हैं, वेलोसिटी कहाँ देख, लाइन ऑफ इंपैक्ट पे, और इंपैक्ट बहुत है जहाँ कॉमन नॉर्मल है, तो ध्यान से देख इसकी कॉमन नॉर्मल क्या यहाँ पे ऊपर बज रही है, तो ये क्या है इसकी लाइन ऑफ इंपैक्ट, क्या ये बात समझ आई, यानी वेलोसिटी यहाँ पे लेंगे, अगर ये थीटा तो ये क्या, ये भी थीटा, नहीं सॉरी ये थीटा कैसे, ये थीटा, ये क्या यू कॉस, और ये क्या हो गया, एक बात बता, u sin थीटा हमारे काम का, u cos थीटा, u sin थीटा हमारे काम का, वो तो परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ एक्शन से, वो हमारा हमने तो अलोंग लेना है, क्या लेना है, फील कर क्या ये u cos थीटा से नीचे बजी तो ऊपर किससे जाएगी, u cos थीटा, क्योंकि e की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि लॉस कुछ भी तो u cos थीटा से आई, यानी ये कितनी है u cos थीटा, कितनी है, तुझे आया नहीं आया, अरे आया, अच्छा सर बहुत खूब, ध्यान से देख अगर ये फाई तो ध्यान से देख क्या ये भी फाई, तो ये क्या हो गया v cos फाई, और ये v sin, इसमें कोई शक की बात है, अरे आया, अब लॉस कुछ भी, लॉस कुछ भी, हम क्या बोल सकते हैं, अगर कुछ भी लॉस नहीं है, अगर कुछ भी लॉस है तो क्या यू कॉस थीटा, ठीक कर रहे हैं ना सब, तो ठीक कर रहे हैं, तो ठीक है ना यार, यू को थीटा ये फाइव,
ठीक तो कर रहे हैं यार। यू कॉस थीटा क्या वी कॉस फाई के बराबर? ठीक तो कर रहे थे यार। अच्छा और यू साइन थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं है, पर ये किसके बराबर है? वी साइन फाई किसके बराबर? तुझे आया ही नहीं। अरे तुझे आया नहीं आया, डिवाइड कर दे। क्या कर दे? इसको डिवाइड कर दे इससे। तो क्या यू से यू कटा? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? तो क्या आ जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या? टेन फाई। तो इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा। क्या फाई निकाल दिया हमने? अरे ये तो तभी पॉसिबल है जब थीटा और फाई कैसे हो बराबर। इसमें लॉजिक लगाना भी नहीं था। परसों का सेम का सवाल किया था, एंगल बराबर थे। क्यों एंगल बराबर थे? ई की वैल्यू बनने आई। टेंशन लेने कोई बात। क्या फाई निकाल दिया? अब निकालनी वेलोसिटी। क्या निकालनी है? क्या निकालनी है? क्या वेलोसिटी सेम रहेगी ना यार? अबे रहेगी नहीं रहेगी कोई लॉजिक इसमें? क्योंकि कौन सा कोलिजन है? तो इसमें जो फाई की वैल्यू कितनी आ गई? याद रहेगा या प्राण निकल जाएंगे? अच्छा ये और ये हमारे काम का, यही और हमारे यही काम का। ये नीचे से पटक पटक ऊपर, दोनों बराबर, दोनों बराबर। समझ आया नहीं आया? ये प्राण निकल गए पक्का। अच्छा यहाँ से क्या तू v की वैल्यू भी निकाल सकता है? अबे v cos थीटा इक्वल टू u cos फाई ना यार। थीटा और ये अगर तेरे को ये थीटा गिवन है तो क्या ये भी गिवन है? तो u और v की वैल्यू निकल गई ना यार क्वेश्चन। चल ठीक। सेकंड देख, e की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में? 0 से, यानी कैसा है? पार्शियली। कैसा है? अब कहानी चेंज होती, सुन ध्यान से। वही सुन, बड़ा थीटा वगैरह ये सब निकालो। अगर तू ध्यान से देख, अगर ये u cos थीटा से नीचे आया तो ऊपर जो v होगी क्या वो e into u होता है? अरे कल पढ़ा था ना, ये चल रहा, ये थोड़ी चल रहा, ये तो रेस्ट पे है ना यार। तो e गुना होगा। तो ध्यान सुन, ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूँ। v is equal to e u, तो क्या लिखेंगे? v cos phi is equal to क्या? e times u cos theta। और दूसरी क्वेश्चन तो सेम ही रहेगी यार, इसको इसको क्या फर्क है? तो u sin theta, यानी ऐसे लिखता हूँ, u sin theta is equal to v sin phi। अबे ये और ये में कोई फर्क? डिवाइड मार दे इसको, इससे डिवाइड मार, तो क्या आ जाएगा? tan phi is equal to क्या? tan theta by e। This is the, और इसको याद रख, याद ही रख ले। क्या रख ले? याद ही रख ले। उसने बोला phi बताओ, क्या बताओ? phi बताओ बेटा। अब phi theta के बराबर है, वो किसमें बराबर है? e is equal to 1 में। इसमें बराबर, और theta दे दिया 30 degree, कितना दे दिया? e की वैल्यू दे दी हाफ, कितनी दे दी? उसने बोला phi बताओ, क्या बता सकता है? कोई लॉजिक? ध्यान से अगर देख, थीटा की वैल्यू 30 रख, कितनी रख? tan थीटा क्या 1/√3। e की वैल्यू क्या 2 दे दे, कितनी दे दे? तो क्या 1/√3। तो फाई की वैल्यू निकल गई, जितनी भी निकली। अरे निकाल सकता है? तो डायरेक्ट याद रखते, यानी थीटा पे जो भी चीज है उसका टेंजेंट मार, डिवाइड कर दे रेस्टिट्यूशन से। किससे? थीटा जो भी दिया, मान ले 45 degree, कितना कितना? और सुन सुन, ध्यान सुन, ये कितना दिया? 45 degree। e की वैल्यू 1, e की वैल्यू क्या आंसर आएगा? 110। इतना सोचने वाली बात, अबे e की वैल्यू कितनी दी मैंने? तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? e की वैल्यू 1 है तो थीटा किसके बराबर है? तो निकालने की जरूरत है क्या? अबे अगर यही वैल्यू 1 ले रहे तो दोनों बराबर हो गए ना यार। घरेड़े वाली बातें मत करो यार, ट्रिक क्वेश्चन था। सुन ध्यान से, मान ला e की वैल्यू हाफ। हाँ अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मान ला 60 degree पे e की वैल्यू हाफ, तो सबसे पहले टेंजेंट बार, टेन 60 कितना? √3। और हाफ क्या? 1/2। तो कितना आ जाएगा? 2√3। कितना आ गया? तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई? टेन इनवर्स 2√3। क्या क्लियर है बात? पक्का? अगर उसने सवाल देने होंगे तो वो इस प्रकार से देगा कि आपको कुछ ना कुछ बनेगा यहाँ पे। टेंशन कोई बात, टेंशन कोई बात। अरे समझा, ये तेरे प्राण निकल गए। मान लो उसने थीटा की वैल्यू दे दी 45 degree, कितनी दे दी? कितनी दे दी? कितनी दे दी? अच्छा, और ई की वैल्यू दे दी √3, कितनी दे दी? तो क्या 1/√3? तो 1/√3 फाइव कब होगा? 30 degree पे। तो 30 इज द आंसर। तुझे आया? यानी 45 से आया 30 पे गया। अब ये सवाल नहीं करा रहा मैं। कर पाएगा ना? तुम्हारे पे यकीन नहीं होता मेरे को। कर लोगे तो क्या भाई? अबे फाई कुछ अल्फा होगा यार, तो क्या कुछ भी हो यहाँ पे, अल्फा लिख दूं मैं, थीटा डैश लिख दूं, कुछ भी लिख दूं। हाँ तो जो भी है वो तो वेरिएबल पे क्यों खेल रहे हैं? थर्ड क्या है? e इज इक्वल टू 0, e इज इक्वल टू, और यही सिखाना है, यही इंपॉर्टेंट है, यही सिखाना और यही। अच्छा क्या तू v की वैल्यू भी निकाल सकता है यहाँ से? बस फिर अब ये करते रहना, अब निकाल पाएगा ना?
ये इससे कि ये निकालेगा, यस देख ई गिवन होगा, थीटा गिवन होगा तो क्या ये निकालेगा, यस सर, ये निकालेगा ये मिल गया, यस सर, ये गिवन होगा ये मिल गया, ये मिल गया तो क्या ये आ गया, यस सर, निकाल पाएगा ना। यस चल सर, ठीक है, ई की वैल्यू 0, ई की वैल्यू यानी कौन सा केस है, परफेक्टली परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली। इनइलास्टिक कोलिजन, सुन ये हो रहा क्या है, ध्यान सुनना, यानी ये बॉल यहां पे आई टन और अब ऊपर गई, ऊपर गई इधर कैसे रही, सुन ये तो बात है, ये सिखाना है। मैं एक नोटबुक फेंकू, क्या फेंकू, नोटबुक जंप करती आती है, थोड़ी स्किट करती है आगे जाके, स्लाइड करती है, नहीं करती यस है, सर, अरे करती है, यस क्यों सर, करती है, सुन अभी ये कॉम्पोनेंट तो 0 हो गया, पर ये तो रहा ना इसके साथ, फिर आया यहां पे, आया यहां पे पहुंच गया, मान लीजिए यहां पे पहुंचा, अब ऊपर तो जाएगा नहीं, ई की वैल्यू कितनी है, जीरो सर, 0, जीरो, मतलब ये जो यू कॉस थीटा यहां था इसका ये वाला कॉम्पोनेंट तो बनेगा ही नहीं अब, यानी कौन सा कॉम्पोनेंट रह गया, क्या यू यू साइन साइन थीटा, थीटा, बिल्कुल, मतलब ये यहां जाएगी और स्किड करेगी यू साइन थीटा से, किससे, यू साइन यानी थीटा, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो ये यू साइन थीटा होगी, और याद रखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो जो वर्टिकल वेलोसिटी है क्या है वर्टिकल वो वेलोसिटी 0 हो जीरो जाएगी, होगी, क्या हाँ जीरो फील होगी, आया, हम कोई यस चीज सर, फेंकते हैं तो जोर से टप्पा खाए वो, हर चीज टप्पा, अबे नहीं खाती, बॉल फेंकूंगा तो टप्पा खाएगी, खाती कॉपी टप्पे खाती है क्या, नहीं सर, कॉपी टप्पे खाती है, नहीं हाँ सर खाती, कॉपी तो टप्पे खाएगी, कहाँ नहीं सर, खाते, देखा ना खाती स्किट करती है ना आगे जाके, यस सर, क्योंकि ये वाली ई की वैल्यू 0, जीरो यस सर, ई की वैल्यू जीरो, तो ये ऊपर से तो लॉजिक ही नहीं ऊपर नहीं आने का, नहीं हाँ पर ये तो बची इसके पास, तो यस क्या ये इसी, क्या फील आ गया, सर, पक्का यस समझ सर, आया, यस पक्का, सर, यस सर, वेरी गुड, पढ़ के आना कल यहीं से, एग्जैक्ट यहीं से स्टार्ट, एक क्वेश्चन दे दूं क्या, सुन सर, क्वेश्चन सुन, यू दे दूंगा तेरे को मैं 10 मीटर, कितना, 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड, अबे यू मीटर पर हाँ सेकंड में ठीक होता है है, ना, 10 मीटर पर सेकंड, कितना दस मीटर पर सेकंड, थीटा दे सैंतीस दूंगा, 37 डिग्री, कितना डिग्री, दे दूंगा, सैंतीस ई की वैल्यू हाफ, डिग्री, ठीक है, तूने ये बताना है, फाई बताना है, वेलोसिटी बताना है, ये सब बताना है, निकाल यस, पाएगा, निकाल दो, फिर से बता रहा हूँ यू की वैल्यू कितनी, थीटा 10 मीटर पर सेकंड, की वैल्यू 37 डिग्री, 37 डिग्री, और जो सरफेस है उसका ई हाफ, ई कितना, हाफ, यानी वो ये वाला केस है, बीच वाला लास्ट वाला, बीच वाला, बीच वाला केस, क्या क्लियर है बात, यस सर, अबे ये और ये तो आसान है, यस सर, इनका क्या देना है मैं इंद्र को, इनका जो एंगल लूंगा वही, मान ली ई की वैल्यू 1 देता 37 का आंसर 37 ही आ जाता, हाँ सर, क्या गधेड़े है क्या, तो क्या क्लियर, वेलोसिटी भी क्या सेम आती, हाँ ये वेलोसिटी सेम ही आती सर, पर ध्यान तो ये सुनो, हाँ बोलो, वेलोसिटी रुला रहे हो तुम लोग यार, भी कल पढ़ा सेम ही नहीं है आती क्या, क्या सर, जिंदगी आ जाए, जिंदगी आ जाए, क्लियर है बात, यस सर, पक्का यस सर, समझ आया, नहीं यस सर, और ये सर, पर वेलोसिटी बेटा, वेलोसिटी मोमेंटम सब लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग देखना, इसके हाँ, अलोंग इसके अलावा देखना, भी कॉमन देखते नॉर्मल, ठीक है, हैं, यस सर, कल एग्जैक्टली यहीं से स्टार्ट करेंगे।